इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप पेटीएम में अपनी फुल केवाईसी कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं पेटीएम की केवाईसी करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं फुल केवाईसी पेटीएम की, जहाँ इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले होता था कि आपको केवाईसी सेंटर जाना पड़ता था अपने आसपास के, लेकिन अब जो है आप अपने घर बैठे कर सकते हैं जो नया फीचर आया है पेटीएम में। तो वो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे पेटीएम का ऐप। पेटीएम ऐप ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर में, तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ऊपर में आपको इस जगह पे सबसे ऊपर में आपका नाम दिखाई देगा और आपको जो है आपका नंबर दिखाई देगा पेटीएम का, तो उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स, तो इसमें क्लिक करिए। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपकी केवाईसी किस तरह कितने तरीके से की गई है। यहाँ पे मेरा मिनी केवाईसी किया गया है और मेरी मंथली वॉलेट में 10,000 है। मैं अपनी वॉलेट लिमिट को बढ़ाना चाहता हूँ और इसको 1 लाख तक का बैलेंस मैं यहाँ पर रख सकता हूँ और सेविंग अकाउंट खोलने तक का आपको अगर चाहिए फीचर तो आपको फुल केवाईसी करना पड़ेगा। तो फुल केवाईसी करने के लिए क्लिक करेंगे अनलॉक ऑल बेनिफिट्स कंप्लीट योर फुल केवाईसी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, आधार वेरिफिकेशन एट ए नियर बाय केवाईसी सेंटर और दूसरा ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन एट योर डोर स्टेप। तो जो नीचे वाला ऑप्शन है आजकल नया आया है, उसमें क्या होता है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पे आएंगे पेटीएम के कर्मचारी और आपके वेरीफाई करके चल जाएंगे आपके आधार कार्ड को। तो अगर आपको कहीं जाना नहीं है और आपके घर पे कराना है तो नीचे वाले में क्लिक करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं किसी केवाईसी सेंटर में जाके कराने के लिए ऑप्शन जाना चाहते हैं तो ऊपर वाले में क्लिक करिए। मुझे घर बैठे कराना है तो मैं नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा आधार वेरीफिकेशन एट योर डोर स्टेप, उसमें क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एड्रेस डाल देना है जिस घर में आप अभी रहते हैं, ताकि आपके एड्रेस पे करंट एड्रेस पे वो आ सके। तो यहाँ पे सिंपली आपको भर लेना है जो यहाँ पे पूछ रहा है, हाउस नंबर, एरिया, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब चीज़ें भर लीजिए। तो मैं भर लेता हूँ सारी डिटेल्स यहाँ पे। आप जब भर लीजिएगा उसके बाद आपको नीचे में क्लिक करना है प्रोसीड में, तो प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने से कितने बजे तक कांटेक्ट किया जा सकता है, और ऊपर में आप देख सकते हैं कि आपको जिस भी तारीख को आपको यहाँ पे चाहिए कि इतने तारीख को मैं फ्री हूँ और इतने तारीख को मैं घर में आकर वेरीफाई कर सकता है, वो डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे में टाइमिंग सिलेक्ट करना है, 9 बजे से 2 बजे दिन तक, या फिर 2 बजे दिन से लेकर शाम के 7 बजे तक, जो भी आपको टाइमिंग पसंद है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड में। उसके बाद ऊपर में जो है आपको मिल जाएगा, सबसे पहले चीज़ आपको पूछता है डू यू हैव पैन, यानी अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अगर यस है, हाँ है तो यस में क्लिक करना है, नहीं है तो नो में क्लिक करना है, और अगर है आपके पास तो उस पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि फुल केवाईसी सिर्फ वॉलेट के लिए कराएं, खाली सिर्फ आप पेटीएम का वॉलेट बनाना चाहते हैं तो सेकेंड वाले में क्लिक करिए। अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं पेटीएम में तो थर्ड वाला क्लिक करिए। और अगर आप दोनों चीज़ खुलवाना चाहते हैं, यानी कि केवाईसी वॉलेट भी, पेटीएम का वॉलेट भी खुलवाना चाहते हैं और पेटीएम का सेविंग अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना है फुल केवाईसी एंड फ्री पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, ये दोनों में। तो मैं दोनों चीज़ कराना चाहता हूँ, मैं पेटीएम में बैंक अकाउंट भी खुलवाना चाहता हूँ और पेटीएम में वॉलेट भी खुलवाना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर वाले में क्लिक करूँगा सबसे फर्स्ट में। उसके बाद नीचे में आपको जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है पेटीएम की, उसको एक्सेप्ट कर लेना, टिक लगा लेना, जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। अब क्या होगा, जो तारीख मैंने सेलेक्ट की है उस तारीख को पेटीएम का जो है कर्मचारी आपके पास आएगा, आपको फ़ोन करेगा, जो पेटीएम का नंबर आपका है उस पर फ़ोन करेगा और आपको आपके घर पर पहुँचेगा और आपका जो है आधार कार्ड पैन कार्ड इसकी जो है वेरीफिकेशन कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, तो जब वो आपके घर पे आएगा तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और वहाँ से वेरीफाई करके जो है आपका केवाईसी कंप्लीट कर देगा। जब आपका पेटीएम में फुल केवाईसी हो जाएगा उसके बाद जब आप अपना पेटीएम ओपन करिएगा, यहाँ पे 3 डॉट्स में जाइएगा, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका नंबर दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा, आपका नाम और नंबर दिखाई देगा, तो वहाँ पर देखिएगा कि आपके नाम के बगल में यहाँ वेरीफिकेशन मार्क लग जाएगा, यानी कि जो है आपका केवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप होम पेज में आके जब स्क्रॉल करिएगा ऊपर में और केवाईसी में क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा केवाईसी इज कंप्लीट, और यहाँ से जो है आप काफ़ी आपके सारे बेनिफिट्स ओपन हो जाते हैं। अब पेटीएम में आपका कोई भी लिमिट नहीं रह जाता है,
आप उसमें सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, 1 लाख रुपए तक का वॉलेट में बैलेंस रख सकते हैं, किसी को बैंक में पैसे भेज सकते हैं, पैसे फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप पेटीएम में, क्योंकि अब आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप पेटीएम में फुल केवाईसी करा सकते हैं घर बैठे। तो ये होता है केवाईसी कंप्लीट करने का मेथड 2019 में, जो कि एक नया तरीका है पेटीएम की तरफ से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ गए होंगे, ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो आपके काम की रही है और आपके लिए हेल्पफुल रही, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो मिलाऊँ तो आपको पता चल जाए। फिलहाल कहते हैं फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।